का जो फैसला होगा, हमने कहा कि 16-17 दो दिन हम लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक पटना में की और उस बैठक में ये तय हो गया कि इस संदर्भ में केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आधिकारिक बयान देंगे। इसमें हम लोगों का कोई बयान इस टाइप का कभी नहीं आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान रात के 12 बजे जो होगा लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए खड़ा। पर सर कोई डिमांड नहीं, 243 पर तैयारी है तो डिमांड 243 की है यार, विधानसभा 263 नहीं है। कितने का घर है? कोई डिमांड नहीं, डिमांड क्या है? तो ये 243 सीट पे आप अपना कैंडिडेट बनाने की बात कर रहे हैं कि आप अपने हम कैंडिडेट की बात, ये सारा फैसला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। हमने पहले कहा कि हम 243 के लिए तैयार बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान होगा कि 120-19 पर लड़ना है, तैयार हैं। उनका फैसला होगा 243 पर लड़ना है, ये पूरा परिवार तैयार बैठा है। इसलिए हमने ये कहा कि इन सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आधिकारिक बात करें। पर सर आपने हम किसी से मांगे तो हम अपनी तैयारी करें, हम मांग कहाँ रहे हैं, मांगने का कहाँ सवाल है? हम तो अपनी तैयारी के लिए बता रहे हैं आपको कि हम तैयार बैठे हैं। हम किसी नहीं होगा ये मैंने कहीं नहीं कहा, आदरणीय चिराग पासवान के हर फैसले के साथ हम लोग खड़े। इसका भी जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देंगे। ये वाला जो सवाल है आपका, इसके लिए विनोद बनर्जी का और हमारे साथ जो साथी लोग हैं, लिख लीजिए, आदरणीय हुलास पांडे जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय विनोद सिंह जी दोनों विधान पूर्व विधान पार्षद प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री संजय पासवान जी प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, श्री संजय सिंह जी प्रदेश के प्रवक्ता और श्री सरवन अग्रवाल जी प्रदेश के प्रवक्ता। अभी हम ये साथी आपके सामने अपनी बात रखा हम लोगों ने। सब कुछ कैसा चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है एनडीए में क्या चल रहा है, हम ये सवाल का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है पूछिए लोक जनशक्ति पार्टी में। लोक जनशक्ति पार्टी में याद होगा आपको, जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर हम लोग निकले थे, उस वक्त लोगों को लगा था कि चिराग जी क्या करने जा रहे हैं। चिराग जी को लगा कि बिहार का युवा यकीनी तौर पर मेरी तरफ देख रहा, और उन्होंने बिहार के उन बेरोजगार युवकों, बिहार की समस्याओं को देखने के लिए हर ज़िला मुख्यालय में जाने का काम किया। ये दुर्भाग्य है कि मार्च के 18-19 के बाद हम लोगों की यात्रा बंद हो गई, लेकिन जो विज़न हमारे नेता का था और जिन ज़िलों में वो गए, उन ज़िलों से ही जैसे एक चावल देख के देखी कि पूरे भारत उसके चावल का अंदाज लगता है, उन्होंने ये महसूस किया कि बिहार को आवश्यकता है नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने की, उद्योग लगाने की। ये इन सारे विषयों पर जब हम लोगों ने बिहार को देखा, और उन्होंने शुरू से कहा कि हम 243 विधानसभा में अपनी तैयारी करेंगे, हम तैयार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान के हर फैसले के साथ खड़ा है। जब जैसा फैसला होगा कमांडर का, हम तमाम लोग खड़े हैं। इसलिए चुनाव के बारे में आज हम नहीं सोच रहे हैं, हमने चुनाव की तैयारी एक साल पहले से की है और हर जगह लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूत से खड़ी। पर सर आपने जो कहा कि जिस तरह से बिहार में उद्योग की कमी है और जो कंपनी नहीं है, पर आपके ही नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे भी आरोप लगाया था कि, और उनको लेटर भी जारी किया था कि आपने 15 सालों में ना तो बिहार को एक उद्योग तक नहीं दिया है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसने क्या किया। जो कमियां हैं, हम जब जिम्मेदारी लेंगे, हम जब जिम्मेदारी हमको मिलेगी बिहार की जनता से, हमको विश्वास है, तो हम उन कमियों को दूर करने के लिए, याद होगा कि पहली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी जिसने बूथ वाइज विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। बूथ की क्या समस्या है, हमारा हर उम्मीदवार उस समस्या को पहले जानेगा, और अल्लाह ने अगर कामयाब किया, हमारे नेता को बड़ी ताकत मिल गई, तो हम एक एक बूथ की उन समस्याओं को अपने एजेंडे में रखेंगे, और वही मेरा विजन है, वही मेरा मकसद होगा कि गांव की पगडंडी पर विकास दिखे चिराग पासवान के सपनों का बिहार। पर सर आपको आईना दिखाने का काम चिराग पासवान ने जिस तरह से किया था, इससे जदयू के नेता भी काफी नाराज। नहीं, हम आईना दिखाने की बात नहीं कर रहे, हमने कहा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमको जाना जहां है उसकी जो दूरी है उसको हम तय करने के लिए तैयार बैठे। हमारा लक्ष्य है बिहार का विकास, हमारा लक्ष्य है कि बिहार कैसे विकसित हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरा लोक जनशक्ति पार्टी तैयार बैठे। यह बताने के लिए बुलाया
कष्ट दिया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संरक्षक नेता देश के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री आदरणीय रामविलास जी को हम अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि बधाई देना चाहते। सही कहा हमारे मित्र ने कि गरीबों के मन में यह आशंका थी कि हमारा जो इस कोरोना वायरस के समय जो परेशानियां हैं उसका क्या होगा, लेकिन वह हर फैसला देश के प्रधानमंत्री का और छठ की चर्चा करके तो बिहार के लोगों के बीच तो एक विशेष मोहब्बत दीपावली और छठ। पाँच महीने तक 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, तो हम इसके लिए सबसे पहले अपने लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और रामविलास जी पर को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से पूरी लोक जनशक्ति पार्टी, आपको याद होगा कि पहले ही दिन से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कोरोना वायरस का जैसे ही यह प्रकोप आया, तमाम साथियों से उन्होंने संपर्क करते हुए, हर लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ इस महामारी में, इस संघर्ष में लगा रहा। हम उनको भी बधाई देना चाहते और विशेषकर जो बात मैंने कही कि आज जिस खाद्यान्न की घोषणा हुई, इसके लिए हम तमाम साथी